में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं प्यारी लगती हूँ तो मुझे नजर लग जाती है, तो मेरे साथ ये हुआ है। तो ये दोनों आ गए कि आपस में फोन पे लगे और कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं। और गए तो मैं आप लोगों को सी ऑफ करने के, मैं एक्चुअली बाहर खाना खाने जा रही हूँ। आज मैं पागल हो जाऊंगी, हर तरफ ईदी ईदी। ये लालची बहन को देख 500 रुपया दे दिया मुझे पकड़ा के। आज आप बहुत पतली लग रही है। मुझे मस्का है पापा जी, ज्यादा क्या नहीं, पापा ऐसे लग रहे हैं जैसे हल्दी लगाई हुई है। Hi guys, so welcome to our official YouTube channel and welcome to new vlog and Eid Mubarak to everyone. तो मेरी ईद तो उठते साथ सुबह ऐसे बर्बाद हुई है कि मेरे फेस पर यहाँ पे निशान पड़ गया मेहंदी का, पता नहीं मैं ऐसे करके सो गई थी तो यहाँ पे पूरा ये पड़ गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, इसको बेस से कवर करने की कोशिश करूँगी। इनको बताती हूँ, बहुत से गए यार, मैं अपना क्लिप दोबारा देख रही थी, मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो ये मेरे साथ हुआ क्या, मैंने यहाँ पे पड़ गया, यहाँ पे पड़ गया। और मैं पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे सोई हूँ, पहले मम्मा को जाके बताती हूँ, मम्मी मम्मा पता नहीं कहाँ पर नहीं, ये लोग पता नहीं ऊपर से तैयार हो रही, इन सबको अपना ये दिखा गया तो क्या इनका रिएक्शन है, खुश ये लोग तो कहेंगे कि बाहर आ गया तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। और ये देखो हीरापी फौरन तैयार भी हो रही है, हीरापी ये देखो ये और ये धोगी उतर जाएगा ये। करती हूँ फिर धोती हूँ। जैसे आपका निशान था लेकिन जैनब को तो चोट थी, वैसे मेरा भी लग गया। तुम सो रही थी तो मम्मा ने तुम्हें कहा भी था जैनब, मेरे मुंह पे मेहंदी लग गई तुम, और मैं आ गई अच्छा सोने दो ओके तब तैयार होते हैं चलो। ओके यार तब जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 3:15 हो गए हैं, तो बहुत लेट हो गई हूँ, लाइट भी चली जानी है, पिक्चर्स वगैरह बहुत चीजें लेनी है। तो लेट मी शो यू माई ड्रेस, बूम बूम, ये है मेरा ड्रेस, इट्स ब्लैक फ्रॉक विद चुनरी और ये नीचे जैनब का ड्रेस है। ओहो चलो अब तैयार होते हैं। अगर मम्मी इधर धनिया पकाना, आज पका के रही है वैसे धनिया ही, मम्मा बताया ना पका के रही है, धनिया ही बना रही है आज, तो मैं धनिया ही। अच्छा मेरे साथ तो देखो क्या हुआ, ये देखो मेरे यहाँ भी निशान पड़ गया, रब तुझे पता है क्या मेरे मुँह में पड़ा है देखो। ओए हाँ आपका भी लाइट लाइट पड़ा हुआ, फिर आप भी कभी पड़ा है आपको पता। अच्छा तो चलो फिर मैं अब जा रही हूँ तैयार होने भाई। ओके सो फाइनली मेरी लुक रेडी हो चुकी है, आप लोग सोचोगे एकदम से मैं इतनी प्यारी तैयार होकर आ गई हूँ। तो अगर आप लोग को मेरी मेकअप लुक देखनी है तो वो मैं सून जो है वो ट्यूटोरियल डालूंगी ईद के बाद, तब आप लोग आराम से देख लेना, तो मैंने बनाया है मेकअप करते हुए पूरा ट्यूटोरियल बनाया, तो वो आप लोग देख लेना आराम से। सो अभी तो फिलहाल मेरी लुक है, तो बाकी ओके तो इधर मम्मी भी रेडी हो चुकी है, वाओ मम्मा मैं इधर पूरा मेकअप ट्यूटोरियल बना रही थी, देखा था। अच्छा बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, तुझे देख के मैं तैयार ही नहीं, मेरा मेकअप बहुत प्यारा हो गया है, बहुत प्यारा है, क्लास। मैं दूर से पकड़ के लोगों को मैं लुक दिखा सकती हूँ। ओके गाइस सो दिस इज माय होल्डर, दिस इज ब्लैक फ्रॉक विद दिस, ये मेरी बैक से ये बाल भी दिखाएं, ये मेरे बाल है। बैक करना, बैक से बहुत प्यारा लग रहा है, वाह वाह। और गाइस मम्मा ने मेरे कहने पे सेम है, सेम है। ईदी चाहिए मुझे अभी, मैं पहले अपना शूट करवा लूँ, जल्दी शूट करवा, ये देखो हाँ ईदी है, ईदी लूँगी पहले शूट करवाऊंगी। मम्मा जो दिन हम बाजार से खुस्सा लेकर आए थे जल्दी दो मुझे चाहिए, ये उस दिन लिया था, टाइम देखे क्या, ये खुस्सा लिया था बाजार से। ओहो मम्मा और जो मैं पायल लाई थी अपने लिए स्पेशल वो दे, मैं पैरों पहनूंगी, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, सब दरवाजे खोलो देखो आए आए चोर। क्यों नहीं मिल रही हो, पता नहीं कहाँ चली गई है। और गाइस मिल गया फाइनली, दे दो दोनों 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 मेरी मेहंदी कितनी गंदी लग रही है, बच्ची दो दो पायल पहनती है, दो पहनते हैं गाइस। और गाइस तो मैंने फाइनली पायल पहन ली है, तो अब चलो शूट करने चलते हैं, बहुत लेट हो गया। ओके यार तो अब जो हमारा फोटोग्राफर है वो उधर इतनी दूर खड़ा हुआ है हीरापी के लिए, उधर आओ मुझे इतना दूर चल के जाना पड़ रहा है ना, अल्लाह इतना तैयार हुई लड़कियों को चलवाते हो यार, कितना प्यारा आसमान लग रहा है, नाइस यार, इतनी दूर पता नहीं कहाँ है इन्हीं जंगल में वो घूम रही है वो, और मुझे इधर इनका वेट करना पड़ रहा है, बट कितनी प्यारी लाइट आ रही है। ओके यार तो अभी शूट करवाने गई थी, मेरे साथ इतना इतना बुरा हुआ कि मेरे कपड़ों पे लग गया गोबर और पोटी, नहीं जी गोबर बोलो, पोटी लगी थी बहुत गंदी सारी। हाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं प्यारी लगती हूँ तो मुझे नजर लग गई थी, तो मेरे साथ ये हुआ है, तो मुझे माशाल्लाह बोलो वरना नजर, सारे माशाल्लाह बोलो नजर लगती है, मुझे भी माशाल्लाह बोलो वरना नजर लगती है। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, मैंने पायल पहनी थी, मेरा पूरा पाँव कीचड़ में धस गया, मेरे कपड़ों में कांटे चले गए, तो अब मैंने ये करना है कि अब मैं चेंज करने का सोच रही हूँ, तैयारी रास्ते नहीं आई मुझे। ओके यार तो अब टाइम आता है ईदी का जिसका सबको इंतजार होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ईद है तो ईदी तो मिल जाए, तो सबसे पहले हम पापा के पास जाएंगे घर के बड़े डॉन के पास, पापा जी मेरी ईदी
जल्दी। हाँ आपको दी नहीं और कह रहे हैं मैंने दी नहीं, और मुझे इस दफा डबल ट्रिपल चाहिए। पिछली दफा आपने मुझे दी कितनी नहीं थी? पिछली दफा 1000 रुपए। हाँ इस दफा मुझे 10% चाहिए। ठीक है ना? ना 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 मैं नहीं लेती। नहीं पापा जी इतनी नहीं चाहिए। आपने जैनब को नहीं दी है? तो मैं बड़ी बहन हूँ, मैं इतना तो आपको। हाँ ये ठीक है, मेरे टाइप की ईदी मिली है। चलो अब जाते हैं मम्मा के पास। मम्मा ने आज से जिंदगी में कभी किसी को ईदी नहीं दिया, तो मम्मा ईदी दो यार। ये तो मुझे मिली है रबिया। नहीं नहीं वैसे बड़ा कहती है फेवरेट बेटी, फेवरेट फेवरेट बेटी को ईदी। और मम्मा हर दफा ये कहती है ईदी देने के लिए ले लेती है सारी। रखी है पूरी, इतने रखे मैं तुम्हें, थोड़े थोड़े करके दूंगी। ठीक है मम्मा की ईदी पेंडिंग है, सबने कमेंट सेक्शन में बताना है। और अरे भाई तो तुमने ईदी ले ली है, थैंक यू सो मच। ठीक है और अभी बहनों की बारी आनी, बहनों से मैंने सबसे ईदी लेनी है, और वो उनको मैं और जैनब को मैं खुद ईदी दूंगी, और जैनब को पापा वाली दूंगी। ये लो। हाँ सच वाला है? हाँ सीरियसली दे रही हूँ। चीना बाद में उसको लग रहा है सीरियसली बाद में। नहीं नहीं अल्लाह की कसम दे रही हूँ ईदी है, तो भी गले मिलो मुझसे, क्योंकि मेरे से गाय छोड़ती है कि बहन उसको तो मेरा दिन बनता है ना, तो खुश हो क्या ओके यार। तो मैं आप लोग को अपने अगले व्लॉग में खानदान लोगों वालों के पास जाऊंगी, उनसे भी ईदी मिलेगी, फिर आपको सारी इकट्ठी करके बताऊंगी कि मुझे टोटल कितनी ईदी इकट्ठी हुई है। तो हाँ बस मैंने तुम्हें रियल ईदी दी है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा मेरी बात का? अच्छा तो मैं पता क्या करने लगी हूँ, मैं अपने वाले कपड़े चेंज करके मैं जाने लगी हूँ बाहर। मैं जैनब और फातिमा हम लोग बाहर जरा घूमने जा रहे हैं, इनको बताए बगैर, क्योंकि यहाँ पे ये लोग तो घर में सड़े बैठे हैं। तो अब बाहर जाके दिखाती हूँ। ये दोनों आ गए कि आपस में फोन पे लगे और कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं। वी डोंट नीड टू शो आवर अंडरस्टैंडिंग। और मम्मा इसे रिच गर्ल बनी हुई है। ईदी मेरे पास आ गई। ओके तो मैं आप लोगों को सी ऑफ करने के लिए एक्चुअली मैं बाहर खाना खाने जा रही हूँ, मैं फातिमा और जैनब। सो बाय, आप लोग अपना टाइम स्पेंड करें, आप पापा के साथ रहें, तो बाय। ओके गाइस अब हम फाइनली जा रहे हैं, इतनी भूख लग रही है कि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं हुआ। तो आपको कैसा लग रहा है जैनब? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। सेम मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो जाके बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, ईद का नाम ही खाना है यार। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, तो चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। फातिमा आर यू एक्साइटेड फॉर फूड? एक्साइटेड क्या, हंग्री हंग्री, क्योंकि सुबह का हमने काम किया और खाना नहीं खाया। और गाइस फातिमा को लग रहा है कि वो ज्यादा फैंसी हो गई है, ऐसे लग रहा है उसका निकाह है। फातिमा कोई बात नहीं, हर किसी का अपना मतलब होता है। सही कोई बात नहीं, मैं तो फुल ब्लैक हूँ। और यार तो फातिमा यहाँ पे आई, यहाँ पर आकर भी लिटरली इसके शूट्स ही खत्म हो रहे हैं, हद हो गई है। फातिमा इससे कुछ याद आया तुम्हें? इससे हमें बहुत कुछ याद आता है। और गाइस तो हमारी डिफरेंट डिशेज आ चुकी है, मजे की लगे ना, वैसे मैं खाऊंगी ना। और इसको अपनी स्टिल सेल्फीज की पड़ी हुई है, चलो खाते हैं। ओके यार सो फाइनली हम लोग वहाँ से आ गए, और इतना थक गया ना, मुझे इतनी नींद आ रही है यार, ईद ना बहुत थकान पड़ गया। हेलो गाइस। ओके गाइस सो अब जो है ना मेरी ईदी रह गई है सिर्फ मम्मा से लेने वाली और फातिमा से लेने वाली, बाकी मैंने सबसे ले लिया। तो अब मैं एंड पर आप लोगों को दिखाऊंगी कि ओवरऑल मुझे आज ईदी कितनी ज़्यादा इकट्ठी हुई है। सो हम काउंट करेंगे मिलकर, तो पहले मम्मा से और फातिमा से ले लें फिर। और गाइस मैं फातिमा से ईदी लेने हुई, लेकिन एक मिनट यहाँ पे ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें तुम्हारी ईदी दे दी है, हाँ। फातिमा को देने लगी। इसको दो फिर इससे मैं भी लेती हूँ, दो इसको ईदी। मुझे भी ईदी दो, मुझे फातिमा ने नहीं दी तो मैं आप को क्यों दो ईदी? सही बात है, फातिमा ने दी। ये लो फातिमा, कितनी दी है दिखाओ इसने? पैसा ही पैसा। ओ और मेरी तो इसने हिरापी ने मुझे दे दिया है। हाँ हाँ राबिया और आपी की मुझे बेस्ट ईदी मिली। मैंने 5000 दिया बेटा, 5000। फातिमा ईदी मेरी जेबें खाली होगी, और वो कह रही है कोई ईदी नहीं दी। आज मैं पागल हो जाऊंगी, हर तरफ ईदी ईदी। मम्मा डोंट वरी, अभी आपसे भी लेनी है मैंने। पता क्या, पैसा ही पैसा, पैसा ही वो देख, पैसा ही पैसा। फातिमा ईदी दो मेरी यार, ये लालची बहन को देख 500 रुपया दे दिया मुझे पकड़ा के। तो ईदी दो दूंगी अभी, तो दोनों यार फातिमा बहुत बुरी बात, मुझे ईदी नहीं दे रही हो यार। अपनी घर में ना सबसे अमीर तरीन आदमी पता है कौन है? ये औरत, हाँ इसका बराबर बंटवा देंगे। मेरी ईदियाँ इतनी सी हुई होंगी, मेरी भी बहुत कम हुई है। फातिमा मेरी ईदी जल्दी 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 शाबाश, इधर दो। ओके गाइस फाइनली फातिमा से ईदी मिल गया, पैसे की जो कदर ना, 8 करोड़ 50 करोड़।
अब लेंगे हम अपने ब्यूटीफुल मम्मी से मम्मा पैसा। क्या कह रही हो? मम्मा के नाम से ब्यूटीफुल हटा दो, सिर्फ मम्मा को उन्होंने दी नहीं देनी तुम्हें। मुझे पता देनी है मम्मा, आप मम्मा ने मुझे कहा था कि वो दे। एक शर्त पे दूंगी, मेरे लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलो, जितने अच्छे बोलोगे उतनी ज्यादा दूंगी। बस मम्मी नन्ने प्यारी, मेरा बिल्लू, मेरा बबलू। नहीं मम्मा की, मामा की स्किन बहुत ग्लो कर रही है। मामा का वेट इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया है मम्मा। एक बात बताओ, हाँ बहुत सीरियस बात, आज आप बहुत पतली लग रही है। ये मस्का है, पैसा आप दे दो, निकाले 40 लाख। पापा जी मम्मा की तारीफ करते हैं, वो कह रही है मैं फिर ईदी दूंगी। पापा नीड ना फुल, वो कह रही है मेरी तारीफ करो फिर मैं ईदी दूंगी। तो तारीफ करे ना, पापा ने कहा है। पापा जी ज़ैनब कह रही पापा ऐसे लग रहे हैं जैसे हल्दी लगाई हुई है। पापा जी तारीफ करें मम्मा की जल्दी। आप बहुत अच्छे हो, बच्चों को इतनी दे दो आराम से। ओ आप बहुत अच्छे हो, बच्चों को इतनी दे दो आराम से। क्या रोमांटिक डायलॉग है। पापा जी अच्छी तारीफ कर दे प्लीज, अच्छी तारीफ कोई खूबसूरती पे। आज अच्छा था, जो वर्ड्स बोलेंगे ना वो बड़ा मशहूर होगा फिर। हाँ। देखना वो चलता कैसे। हाँ। चले पापा जी करें करें और मम्मा के साथ भी मैचिंग थी। चलो दे दो मम्मा, ये तारीफ मुझे अच्छी लगी। फाइनली पापा ने मम्मा की तारीफ कर दी। चलो दो मम्मा दी, अच्छा जा रही होगी। चलो अब देखते हैं मम्मा कुंजूस, जिसने पिछले कोई कितने साल हो गए आपकी शादी को। मम्मा ने जितने कोई 18 सालों से हमें ईदी नहीं दी, आज पहली दफा ईदी ली है। ओके तो फाइनली सिर्फ हीरा को एक देने के लिए। मैं बताऊँ फाइनली ऐसी औरत, ओ ये सारा दे दो, सारा दे दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। ये बारात में पैसे आ रहे हैं, पीछे उधर होके बैठ। मम्मा दे 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 ले ले दे 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 लूंगी। पावर है, दे ना मम्मा, दे मम्मा मुझे दे, रैली देनी है दो जल्दी। मम्मा देख कंजूस बनी हुई है इस टाइम पे। मम्मा 2000 तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली। नहीं मैंने 5000 दे दे हीरापी इस औरत, मतलब सॉरी औरत नहीं कहना, मेरी प्यारी मम्मा से अगर आपको 5 भी मिल जाए ना काफी है। 500 भी मिलती तो वो भी बड़ी है, दो दे रही। देखा राबिया कितनी अच्छी खुश हो गई। और गाइस मुझे मम्मा से 2000 ईदी मिल चुकी है, आई एम सो हैप्पी। मुझे पता है मम्मा इनको नहीं दे, इनको 2000 से ज्यादा देंगी भी नहीं, मुझे पता है। कह रही उसको दो दी, मुझे 5 दे दी। ओ हटाओ ये, नहीं नहीं हीरापी ये 50 लाख है, हटाओ इसको, हटाओ ये 50 लाख है, हटाओ इसको। और गाइस आप लोगों को भी ईद मुझे देनी चाहिए ऐसे। ना मम्मा इसको नहीं देनी मम्मा, मैं लड़ना शुरू कर दूंगी। और किस किस को देनी है? फातिमा को ना। ओ फातिमा ईदी ले लो। ये कौन दे रहा है? मम्मा। ओके तो फातिमा कितनी ईदी दी है मम्मा ने? 50। सबको बराबर, 2000। मेरी 5 बेटियां 5 बराबर है मम्मा। हाँ सबको 2000 ही देना, 2, 3, 4, 5। ये मेरी बड़ी बेटी मम्मा के नाम करते हैं। आपका फेवरेट मुझे कौन होता है? कोई फेवरेट नहीं होता। चलो ठीक है, चलो ये 2000 ही रहेगी उसको, तो दे सड़ी बूथी दो, उसको भी दो 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 दे दो। मैंने नहीं देनी है ये लो, मैंने 2000 पकड़ो। ओए नखरे नहीं करते, लो मैं ले लेती हूँ। आप फिर पकड़ मेरी है, वो 4 है। हाँ 4, चलो सबको मिल गई दी, कोई कमी है? हाँ मम्मा दे दो एक नोट मम्मा, एक फिर मुझे मम्मा मुझे 25 कर देना, 2500 कर देना। चलो और गाइस फाइनली अब मैं खुश हूँ, मुझे 2500 ईदी मम्मा से मिल गई है, तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी होल ईदी। ओके तो फाइनली ये मुझे ईदी मम्मा, आप दूर है ना आप ले लेती हूँ। मम्मा कितनी चला गया ईदी लेने आ गई है, तो ये मुझे ईदी इकट्ठी हुई है, मैं काउंट करती हूँ। मुझे बता दे चले मेरी प्यारी बेटी को कितनी ईदी इकट्ठी हुई है मम्मा। लेकिन अंदर से आप नहीं ले सकती है, मैं क्यों लूंगी? हाँ सारा काउंट करें मम्मा, ये डॉलर नहीं 75 का नोट है, ये भी काउंट करेंगे। हम काउंट करते हैं ना सारे, 500 गिने जाएंगे, 500 ये वो 5000 था साथ। साइकिल टोटल दिखाई, ये भी करिए लेना सर, इसमें खत्म, इसमें भी है एक नोट शायद, लेकिन ये वाली अरीब भाई ने दी थी पकड़, ये 75 के नोट भी। जो पापा ने 5-10 वो साइड पे रखे हुए, वो मैंने खुले किए हैं ना उनको, वो मैंने एक्सचेंज करवाया जैनब से, उसकी जगह 75 वाले लिए थे नोट मैंने। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, 5 को चेंज करवा के ये लेते हैं, ताकि ये तो अम्मियाँ ले लेती हैं बड़े नोट, छोटे पास होंगे तो खर्चा करेंगे। आज मेरे पास ना मेड आई, मैंने उसको ईदी दी, कहती है आंटी मुझे ना ये 500 की बजाय ना 100 के नोट दे। मैंने कहा क्यों, ये 500 का तो मम्मा पापा ले लेंगे। हाँ जी, और अभी मेरी मम्मा यही करने आएंगे, लेने आएंगे। यही समझ आई कि राबिया ने 5000 के जो पापा ने दी वो चेंज करवा के 500 करवा लिए, ताकि मम्मा ही आना रहे, क्योंकि मुझे पता है कि मम्मा अभी भी आई हैं कब्जा करने के लिए। क्या हो गिनते हैं दी, सब पता है मुझे मम्मी। तो सिर्फ मैंने कहा 3 5 5 के होंगे, वो मैं रख लूंगी छोटे राबिया को दे दूंगी। हाँ। तो राबिया ने
वो पहले ही चेंज करवा लिए, ये है रबिया की चलाकी। तो रबिया ये तो मैं ले सकती हूँ ना 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 सॉरी मेरी ये रबिया की पूरी चेक तो करो इधर दिखाओ लोगों को दिखाओ ये रबिया की पूरी दी की शान है। ओह शान ये मेरी पूरी दी गाइस मुझे चलो रबिया ये रख लो एक मेरी साथ पिक्चर सुना रबिया इस टाइम सिर्फ तेरे ये पैसे हैं। अच्छा मैं काउंट कर रही हूँ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 और गाइस मुझे टोटल जो ईदी कटी हुई है वो ये 50,000। ओह माय गॉड कितनी में लगी मुझे 50,000। तुम्हें कहने कितनी ईदी कटी हुई 10,000 ज्यादा हुई तुम्हें कितनी कटी हुई 10,000 नहीं हुई जो आपने दत्ती दी है ना उसको काउंट करने से मुझे 80,000 वैसे ही पकड़ाई है तो वो भी काउंट अंदर कर रही है वो ना करो बेटा जी अम्मी मम्मा ने बोला वो मेरी है सही सी बताओ कितनी हुई है इकट्ठी 25,000 तो इसको 25,000 मुझे 50,000 इतनी कर गया तो इस बार मुझे 50 मुझे 18 हुई थी पता नहीं इसको कैसे 50 मिली। ओके यार तो ये इनके पैसों की बहस तो चलती रहेगी तो मुझे इस दफा 50,000 इकट्ठा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Also, कि आप लोग भी 80,000 हाँ हाँ 80 मेरी बात सुने ईद होती है बच्चों की बच्चों हाँ. को पैसे मिलते बच्चे होते हैं खुश बच्चों की खुशी चाहिए इसलिए इनको पैसे ज्यादा दिया करें हाँ. तो हो सो कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा ऑल्सो अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को कितनी ईदी इकट्ठी हुई है ज़्यादा ही हुई होगी लेकिन मुझसे कम हुई होगी मुझे पता लेकिन थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है तो आप लोग कमेंट मुझे इस दफ़ा यकीन नहीं आ रहा कि मुझे इकट्ठी हुई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ऑल्सो ईद मुबारक एंड आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें हाँ ईदी की खातिर बड़ी मेहनत की है बहुत ज़्यादा सो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें बाय।